हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने बोगनवेला में आप कैसे अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसको आप डालेंगे और आपके बोगनवेला में पत्तियों से ज़्यादा फूल आएंगे, तो आइए फ्रेंड्स बताते हैं। प्लीज़, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए फ्रेंड्स बताते हैं कि आप कैसे अपने प्लांट पर पत्तियों से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। फ्रेंड्स, बोगनवेला एक परमानेंट प्लांट है और इसमें पूरे साल भर फ्लावरिंग होती रहती है, बट गर्मियों के टाइम पर इसमें ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपका प्लांट तो हरा भरा है पर उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। इसके लिए आप सब लोगों को क्या करना चाहिए मैं दिखाने वाली हूँ। मैंने अपने इस प्लांट में अभी 10-12 दिन पहले जो फर्टिलाइजर दिया है, मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आइए फ्रेंड्स दिखाते हैं कि मैंने इसमें क्या डाला हुआ है। दोस्तों, ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। 2-2.5 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। उसके बाद ये है हमारा पोटास, 1 छोटा चम्मच पोटास ले लीजिए। और इन दोनों चीज़ों को मिला कर के आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों को डाल देने के बाद 10-12 दिनों के बाद आपके प्लांट पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, हमने ये 3 कटिंग्स लगाई हुई थी। 2 कटिंग्स मैंने 6 महीने पहले लगाई थी, उनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ्लावर्स आए हुए हैं। ये मैंने 6 महीने पहले लगाया था और ये कटिंग्स मैंने 3 महीने पहले लगाई थी। ये भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है पर इसे फ्लावरिंग अभी इसमें नहीं स्टार्ट हुई है। और वो तीसरा प्लांट भी मैंने 6 महीने पहले ही लगाया था, उसमें भी फ्लावर्स आने लगे हैं। दोस्तों, बोगनवेला को आप कटिंग के द्वारा इजली ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आराम से लगाई जा सकती है और चल भी जाती है। आप इसे अभी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें डाल करके आप अपने प्लांट पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट की है। मेरे पूरे प्लांट में फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। देखिए ये फ्लावर्स कितनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है मेरे प्लांट पे। बोगनवेला का प्लांट एक हार्ड प्लांट है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, अपने बोगनवेला के प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए, आपका बोगनवेला का प्लांट अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, इस प्लांट को टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइजर भी देते रहना चाहिए। मैं अपने बोगनवेला के प्लांट में कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ ये आप सब लोगों के साथ मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। प्लीज़, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।